ராஜ்யத்தின் துவா. ஐயோ, ஆதிவாசி சமாஜ் மகான் சமாஜ் தேச கா ராஜா தா. லம்பே அரசு தமாஜ் தர்த்தி பர ராஜ் கியா. ஆரியோ கே சர்கபட் சே ஆஜ் ஹமாரா சமாஜ் தர் தர் பட்டக் ரஹா ஹை. ஆஜ் சமாஜ் ஜிஸ் ஜகஹ் ரஹனா தா வஹான் பர் நஹீ ஹை. சல் கபட் சே ஜங்கல் ஔர் பஹாடோ மே சமாஜ் கோ பேஜ் தியா கயா. பாயோ, தாதா கா ஆஹ்வான் ஹை கி சமாஜ் எக் சங்கிரித் ஹோ ஔர் சங்கர்ஷ் கா ராஸ்தா அப்னாயே. பாயோ, இஸ் தர்த்தி பர் ஆஜ் எக் நயன் அவசியக்தா ஹை. ஜிஸ் தர்த்தி மாமே ஆப் ரஹ ரஹே ஹை சப் பஸே சம்சார் சாரே லோகோ கி சாசன் ஔர் சர்க்கார் கி பீதே ஆதிவாசியோ கி ஜமீன் பர் லகி ஹுயி. கி ஆதிவாசியோ கி ஜமீன் கேசே ஹட்தி ஜாய் கேசே லீ ஜாய். பாரதிய சம்விதான் மே பாபா சாஹப் நே பஹுத் சாரே ஹக் ஔர் அதிகார் ஆதிவாசியோ கோ தியே ஹை. இத்தனை ஹக் அதிகார் ஹை கி ஆப் யஹான் இஸ் தர்த்தி கே குத் மாலிக். மகர் துக் இஸ் பாத் கா ஹை ஜோ கானூன் ஆப்கே ஃபேவர் மே தே ஜோ ஆஜ் தக் லாகூ கியே நஹீ ஹை. லாகூ ஹுயே கி நஹீ பாயோ, ஜப் கானூன் லாகூ நஹீ ஹுவா ஹை தாதாஜி கா கஹனா கி பாய் ஆப்கோ சங்கர்ஷ் கா ராஸ்தா அப்னானா படேகா. யே ராஸ்தா சாந்திபூர்ண டங் சே ஹோனா சாஹியே. ஆஜ் ஹமாரே நௌஜவான் சாத்தி ஹை படன் லிக்னே கே சாத் சாத் மே ஆப் எக் சங்கித் ஹோகர் தாதா ஜோ ஹம்கோ சந்தேஷ் தே ரஹே ஹை உஸ்கோ ஆப்கோ அத்யயன் கர்னா ஹை. தாதா மர்காம் ஜி ஆதிவாசி சமாஜ் மே படா தேவ் கே ரூப் மே பேதா ஹுயி. तीसरा नेत कहते हैं महादेव का तो दादा इस तीसरे तीसरा नेत के रूप में आपको शक्ति के रूप में जगाने का काम कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। मगर हमारा समाज बहक जाता है, बहुत जल्दी बहकता है, संकित नहीं रहता है, थोड़े देर के लिए जुड़ जाता है भाग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको सोचना चाहिए। जो बाहर का आदमी डब्बा लेकर कटोरा लेकर आकर हमारे देश में राज कर रहा है और हम इस देश के धरती के मालिक का जीवन भर हम रोड बनाते रहेंगे, गड्ढा खोदते रहेंगे। अरे बदलाव करो मेरे भाई, ये बदलाव करने का समय है। आप देखो बड़े बड़े भवन आदिवासियों की जमीन में बनाए जा रहे हैं, यह भी सरकार की नीति है। जहां आदिवासी की जमीन ज्यादा से ज्यादा डूबे वहीं पर घर बना रहे हैं, वहीं पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं जहां आदिवासी की जमीन खत्म हो रहा है। तो मेरे भाइयों, इस छल कपट को आप समझो। नौजवान साथियों, बाट साहब के माध्यम से आप समाज को संदेश दो और समय दो समाज का। आप तो मैं कहना चाहता हूं, दादा की मंशा है कि यदि किसी किसी के भाई को पैर में यदि कांटा खड़ा तो वो दर्द पूरे समाज को हो जाए, उस दर्द को समाज महसूस करे। आए मौका तो आपको झंडा गाड़ना पड़ेगा,
एक छल कपट हुआ है। आदिवासियों को जमीन लूटने का काम आपके डिंडोरी जिले का जो खुसरा गांव का एक आदिवासी रूसा गांव के प्रवीण मरावी छिंदवाड़ा में साहेब भू अभिलेख अधिकारी थे। उनको पूरे जिले का भार था। उनके पास सारे भू माफिया वहां एक कलेक्टर शर्मा उसके माध्यम से चूंकि वहां सबसे ज्यादा भूमि आदिवासियों की तो वहां के भू माफिया क्या काम कर रहे हैं, एक आदिवासी की जमीन दूसरे आदिवासी के नाम से आगे करके ले लेते हैं और इसका काला बाजारी बहुत तेजी से चल रहा है। कलेक्टर ने भू अभिलेख में राजस्व लुटाट में हेर फेर करने की बात कही और एक किसी की नौकरी देने की बात कही तो शहीद प्रवीण मरावी ने मना कर दिया, ये मेरा काम मेरे समाज के लोगों की जमीन का मैं अपने हाथों से अपने कलम से मैं गलत नहीं रहा। मैं जान दे दूंगा मगर गलत नहीं कर। बेचारे ने जहर पीकर आत्महत्या कर लिया। तो मेरे भाइयों ऐसे भी अधिकारी हैं जो समाज के लिए शहीद हो गए, तो क्या मैं समाज से पूछना चाहता हूं जब समाज का अधिकारी शहीद हुआ है खत्म हुआ है क्या इस मांग को हम लोग पूरे प्रदेश में उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, बताइए मेरी भाई। हाँ तो खराब सब लोग आदिवासी जो टकराएगा भूखा ही मर जाएगा, जो आदिवासियों से टकराएगा अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। बोलूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा दादा अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नहीं दादा का इस धरती पर, धरती भी बोलो आप धरती भैया आदिवासियों की, जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती पर दादा का नाम अमर नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाथ खाते यार दादा के नाम से दोस्तों भरो मेरे भाई दोनों हाथ खा, जब तक सूरज चांद रहेगा जो वजह से टकराएगा भाइयों इस मांग को हमको पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को ज्ञापन देना है और उसकी जांच करना है। वो जो कलेक्टर ने जो काम गलत किया छिंदवाड़ा में उसको सत्यान होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। रोज आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों से जो भी समस्या है आप लोग स्थानीय लेवल पर बैठे उसको जिला कार्यालय प्रदेश कार्यालय तक भेजने का काम करें। जो भी मांगे जितनी भी आती है बड़ादेव का झंडा गोंडवाना का झंडा हमेशा संघर्ष के लिए भोपाल कार्यालय में लहराते रहेगा। आप लोग निडर रहिए और जो कोई कहेगा कि भाई रोड सुधर गई घोड़ नहीं सुधरा तो उसको जवाब देना है। हरामखोर ये दुनिया को हमने सुधारा, ये धरती हमारी है, हमने सुधारे तो कौन सुधारेगा तुम्हारा बाप। तो
तुम तो भारी लोग, जैसे हम संक्षिप्त हो जाएंगे तब पता चल जाएगा। और बड़ा देव की शक्ति जाग चुकी है, बता दे रहा हूँ। दादा देव के निर्देश से, आह्वान से पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा देव की शक्ति जाग चुकी है। शक्ति आह्वान कर रही है, अरे कहा कर रही है? आप सबका माता बहुआ देवता के हाथ में बहुआ महुआ में कहीं शक्ति विराजमान हुई थी? पेपर पढ़ा है नहीं आप? ये झूठ नहीं है। ये बड़ा देव की शक्ति आदिवासियों को आगाह कर रही है कि उठो आदिवासियों, संघर्ष करो, ये धरती माता तुम्हारी है। महुआ के हर जगह देखो, अभी हमारे गांव के किनारे भरा एक थोड़ा छोटा सा गांव है, वहां भी महुआ में खड़ा मिल रही भाई। सिवनी जिले में तो तीन महुए हो गए, पेपरिया के पास में, और भी हर जगह ऐसे महुआ में होते जा रहे हैं। शक्ति है, आप लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी योग्यता देते, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कों को आप शिक्षा देते हो, बच्चियों को नहीं देते, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं सोचते सही हो। शक्ति महान है, बच्चियों को पढ़ाओ आप, बच्चों को पढ़ाइए आप, और सजग रहो। जहां भी काम करने जाते हो, हमारे भाई लोग बहुत तादाद में, नागपुर है, बॉम्बे है, कर्नाटक है, कहां कहां बॉम्बे में आप काम करने जाते हो, समूह से जाते हो, तो आप लोग मोबाइल है आप लोगों के पास में, और किसी भी ठेकेदार से काम करते हो तो पूरी मजदूरी लेना है आप लोग, वही झंडा गाड़ देना बड़ा देव का, हम लोग वही आकर समझ सही। ये नहीं कि आपके साथ शोषण हो रहा, आप यहाँ आप भानपुर आ गए, ये काम नहीं होना चाहिए। हो सके तो जो कर अपना झंडा और डंडा साथ में रखना, ये एक जरूरत पड़ गई झंडा की और आई थी डंडा की, ये रखो। सरकार तो भाई लाइसेंस दे रही बंदूक की तलवार, सरकार को, सरकार ने, भारत सरकार ने उनको तलवार रखने के लिए, बिछुआ रखने के लिए लाइसेंस दिया कि नहीं? हमको तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। डंडा और झंडा आदिवासियों का एक पहचान है, रखो मेरे भाइयों, झंडा झंडा की पहचान है। और निडर रहो, भयभीत मत रहो और संकोच नहीं रहो। आप किसी भी ऑफिस में जाते काम करो, आप पटवारी से मत डरो, आप नागेदार से मत डरिए, आप पुलिस से मत डरो, जो कुछ भी आप हमारे आदि पुलिस को देखकर डरता नहीं। पांचवी छठवीं अनुसूची का भी आंदोलन दादाजी के नेतृत्व पूरे मध्य प्रदेश में जारी होने वाला, पूरे मध्य प्रदेश में छठी पांचवी अनुसूची लागू होना चाहिए। इसमें हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग रहेगा, जेल भरो आंदोलन रहेगा। जिस दिन छठी और पांचवी का हमारा आंदोलन जेल भरो रहेगा, जितनी भी जेल मध्य प्रदेश की सब जेलों में आदिवासी बैठी, झंडा डंडा के साथ जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से जाएगा। जिस दिन से आदिवासी समाज जेल जाना शुरू कर दिया, उसी दिन से आदिवासियों का जो दुख दर्द है सोचा वो खत्म हो जाएगा, ये निश्चित है, खत्म हो जाएगा। जेल जाने का रास्ता है आप तैयार है, दादाजी ने कर दिए है, छठी और पांचवी सूची के लिए आपका इस धरती पर आंदोलन होगा भाइयों। और भी